नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। संघर्ष एक ऐसा शब्द जिसका मतलब आप लोग बखूबी समझते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी में संघर्ष के दौर से जरूर गुजरते हैं। लेकिन समाज के हालिया स्थिति की बात करें तो मुसलमानों और दलितों की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो इतिहास के पन्नों में गवाह बन चुकी है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब मुल्क के हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू होने की बात शुरू हुई। इन कानूनों के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विरोध की आवाजें उठ खड़ी हुई, तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। और धीरे धीरे कर इस प्रदर्शन ने पूरे देश में अपना अस्तित्व बना लिया। शुरुआत में प्रगतिशील बुद्धिजीवी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता सभी की भागीदारी बढ़ चढ़ कर सामने आई। फिर भी इस भीड़ में मुसलमान ही ज्यादा पाए गए। विरोध की आवाजों के बीच शोर ये भी सुनाई दिया कि मुस्लिम समुदाय तीन तलाक और अयोध्या मामले पर चुप था, लेकिन NRC और कैब के बाद मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया। दरअसल अतीत में अपनी तमाम लड़ाइयों को वो लड़ा ही नहीं और ज्यादातर असुरक्षा की भावना के कारण राजनीतिक सक्रियता में नहीं था, इसलिए भाजपा के खिलाफ वोट देता रहा। और इस संघर्ष की सबसे अहम बात ये रही दलितों और मुसलमानों का एक साथ आना। ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई प्रयास किए जा चुके हैं जब दलितों और मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिशें हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बंगाल से दलित मुसलमानों ने संविधान सभा में भेजा था और शुरुआत अच्छी भी हुई, लेकिन टिकाऊ नहीं रह पाई। सन 1960 के दशक में बीपी मौर्य और संघप्रिया गौतम ने दलित मुस्लिम की राजनीति करते हुए कुछ हद तक सफलता भी हासिल की। इसके बावजूद लंबे समय तक वो इसे बरकरार नहीं रख पाए। इस लिहाज से देखा जाए तो एकजुटता की पहल हमेशा दलितों की ओर से की गई है, इसलिए मुसलमानों को अभी थोड़ा और सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा दलित आंदोलनों में मुसलमानों ने कभी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोस्ती अस्वाभाविक है, बल्कि मुस्लिम समुदाय अपने खुद के मसलों के लिए कभी नहीं लड़ा। उसे तो हमेशा राजनीति का एजेंडा बना के डरा सहमा समझ कर अल्पसंख्यक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर मुसलमानों के बाद CAA NRC के खिलाफ आंदोलन में कोई समाज सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहा है तो वो है दलित समुदाय। और इसका कारण भी है, दलित समुदाय का मानना है कि संघ और BJP मिलकर संविधान को नष्ट कर देना चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर नागरिकता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन CAA के बाद धर्म के आधार पर भी नागरिकता परिभाषित हो गई है। इस कानून के तहत बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्रताड़ित मुस्लिम भारत में नागरिकता नहीं ले सकते। बाकी अन्य धर्म के लोगों के लिए भारतीय नागरिकता के दरवाजे खुले हुए हैं। इससे दलित समाज भावुक रूप से आहत है। लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बीच हम सभी को एक बात याद रखनी चाहिए कि अपने विरोध प्रदर्शनों में राजनीति की छाया ना पड़ने दे और अपने मंच का इस्तेमाल सही नेताओं के साथ ही साझा करें। संघ और भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम विद्रोह कराने के अलावा राजनीतिक सत्ता अपनाने का कोई और रास्ता नहीं है। इसके अलावा एक बहुत ही एहतियात बरतने वाली बात यह है कि समाज के नेताओं को आवश्यकता अनुसार ही जंगा दें, जिनकी जाति की वजह से संघ और भाजपा का दारोमदार टिका हुआ है। आखिर में बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने प्रदर्शनों में दलित, छोटे और कार्यकर्ता के स्तर के नेताओं को ही तवज्जो दें, क्योंकि आने वाले समय में यही वो लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन दलित मुस्लिम एकता पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। शुक्रिया।